आज हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रफल केक, वो भी बिना चॉकलेट यूज़ किए। इसे बनाने के लिए ना तो हमें ओवन चाहिए होगा और ना ही गैस। सिंपल हम इस केक को वाइट ब्रेड से बनाएंगे और ये बहुत ही डिलीशियस और अट्रैक्टिव केक बनकर तैयार होगा, वो भी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स से। तो इजीली इसे बिगिनर्स भी घर पर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चॉकलेट गनाश तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होंगे ओरियो बिस्किट। यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली 20 बिस्किट लेंगे। तो यहाँ पर इनकी जो क्रीम है उसे हम अलग निकाल कर रख लेंगे, जिसे हम बाद में केक डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सारी क्रीम निकाल लेने के बाद इन्हें हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमें बिल्कुल प्लेन ग्राइंड नहीं करना, छोटे छोटे बिस्किट के हिस्से इसमें ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे इसमें क्रंची सा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा। इसके बाद बिस्किट पाउडर में थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो ओरियो बिस्किट की जगह कोई और चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं इस चॉकलेट गनाश को बनाने के लिए। तो इस स्टेज पर हमारा चॉकलेट गनाश रेडी है। फिर इसे हम कुछ टाइम के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। तो इसके बाद ब्रेड लेंगे और इनकी साइड्स को अलग कर देंगे। टोटल यहाँ पर हम काउंटिंग में 9 ब्रेड लेंगे, जिन्हें हम तीन तीन के सेट में 3 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। तो ब्रेड का ब्राउन पार्ट हटाने के बाद इन्हें इस तरह से प्लेट में अरेंज करके रख लेंगे। इसके बाद जो ऊपर के दो ब्रेड स्लाइस हैं, इन्हें हम नाइफ की हेल्प से ऊपर से राउंड शेप में कट करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से कट करके हम इस ब्रेड को हार्ट शेप डिजाइन देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ब्रेड की कटिंग करने के बाद इसे अच्छे से अरेंज करके रखेंगे और ब्रेड पर ज़रा सा दूध डालकर इन्हें सॉफ्ट कर लेंगे। तब इसके बाद चॉकलेट गनाश को इवनली स्प्रेड करेंगे सभी ब्रेड्स के ऊपर। तो फिर से एक लेयर ब्रेड की इसके ऊपर अरेंज करेंगे और दोबारा से दूध डालकर इन्हें सॉफ्ट करेंगे और फिर से इन्हें चॉकलेट गनाश से कवर कर लेंगे। एक बार फिर इसके ऊपर ब्रेड की लेयर बनाएंगे। जो ऊपर की साइड दो ब्रेड हैं, इन्हें हम इस तरीके से चॉकलेट के ऊपर रखकर भी कटिंग कर सकते हैं, इससे इनकी शेप बनाने में आसानी होगी। तो ये देखिए अब ये लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। अब इन्हें एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के बाद पूरा चॉकलेट गनाश इसके ऊपर डाल देंगे। तो एक बार इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे और फिर इसे पूरी तरह से गनाश से ऊपर से और सभी साइड से अच्छे से कवर कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे कोट करते जाएंगे। क्लीनिंग हम इसकी एक बार अच्छे से सेट होने के बाद कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ऊपर की ओर हम इस चॉकलेट गनाश को एडजस्ट करेंगे और फिर इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। तो
अभी से सेट होने के बाद इसकी साइड्स को किसी कपड़े या नैपकिन के साथ क्लीन कर लेंगे। तब यहाँ पर केक रेडी है डेकोरेशन के लिए। इसके लिए जो बिस्किट की क्रीम हमने अलग निकाल कर रखी थी उसे हम हाथ से इस तरह से रोल करेंगे। और इसके बाद क्रीम का इस तरह से सर्कल बनाकर इसके ऊपर साइड में रख देंगे। तो ऐसे ही हम सभी सर्कल तैयार कर लेंगे। और फिर इनके सेंटर में इस तरह से सूखी चेरी लगा देंगे। तो बस रेडी है हमारा बहुत ही चॉकलेटी सा केक, जो कि खाने में लाजवाब लगता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली